Hi everyone, good evening. Welcome back to my channel Indian Vloggers Fashion. So friends, मेरे चेहरे पे मत जाइए क्योंकि बहुत ऑयली होके रखा है और मैं ना कुछ बना रही थी अभी, काफी कुछ बनाया है, रुकिए मैं आपको दिखाऊंगी इसका जो बाद में इसका जो ये है ना क्या ठंडा हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअल में हुआ कि नहीं। मैं जस्ट आज पहले बार इसको ट्राई किया है और देखते सक्सेस हुई कि नहीं। अगर सक्सेस हुई तो मैं इसको बनाऊंगी। मैं अभी ना गरम गरम था, मैं ये गोल डो से, डो क्या बोलूंगी, गोल ब्रेड से ना एक लेके खाई हूँ तो टेस्ट बहुत अच्छा है, फ्लेवर बहुत अच्छा है, बट वो गर्म था तो क्रिस्पीनेस जो होता है ना वो मुझे समझ में नहीं आया कि क्रिस्पी होएगा कि नहीं, बट जैसे जैसे वो ठंडा हो रहा है ना वो क्रिस्पी भी हो रहा है। और चलो मैं ठंडा होने के बाद ही आपको दिखाऊंगी एक्चुअल में कैसे बनाए, ठीक है। और मुझे आप लोगों से कुछ बात करना है। टर्म ना मुझे अभी चाय पीना है, फेस वॉश करना है, थोड़ा सा ठीक से ठीक ठाक रहना है, ठीक ठाक होना है, ठीक है, क्योंकि बाल को बाल उसके जगह और मेरा चेहरा का ऑयलीनेस, मैं जैसे किचन में घुसती हूँ ना मुझे ऑयली ऑयली हो जाता है। तो चलो मैं थोड़ा सा ढंग से होके आती हूँ, आप लोगों से थोड़ा सा बात करती हूँ और ये रेसिपी को शेयर भी करती हूँ। मैं हो गई हूँ क्लीन, ऑयली नहीं। मैं ना थोड़ा सा पाउडर भी लगा देती हूँ जब भी मैं फेस वॉश करती हूँ तो थोड़ा सा पाउडर लगा देती हूँ, और ये गर्मी और चिपचिपी में ना मैं ज्यादा ज्यादा पाउडर यूज करती हूँ। और चलो ये ना ठंडा हो चुका है, मैं और एक अभी खाया बट ना मैं सोची कि आप लोगों को दिखाऊंगी बट ना भूल गई, भूख लग रहा है तो मैं खा लिया। और ये पहले तो देखो क्योंकि ये ना थोड़ा सा जैसे बोलोगे अंदर तक गया है और अच्छे से क्रिस्पी हुआ है, ठीक है, जैसे चाहिए वैसे हुआ है, इतना क्रिस्पी भी नहीं हुआ है कि टक टक साउंड है। और ये ना बिस्किट की तरह है और ब्रेड की तरह है, कुछ भी बोल सकते हो, बट ये अंदर ना मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गीला है, जैसे हम अभी बनाए तो दो दिन में इसको खत्म करना है, जस्ट दो दिन में इसको खत्म कर लो, नहीं तो वन वीक के अंदर इसको खत्म करो। बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत खुशी मिला है और टेस्ट तो ऑसम है कि इतना टेस्टी। और चलो मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ ये कैसे मैंने बनाया, उससे पहले मुझे आप लोगों को बात करना है बट मैं ना खड़े होकर बात नहीं कर पाऊंगी, सो बताऊ बहुत टेस्टी है, मैं दो खा लिया है और मैं इसे खाऊंगी ना, खाती रहूंगी। बाहर जो है ना क्रिस्पी है, पूरा अंदर का थोड़ा सा क्रिस्पी नहीं है, बहुत टेस्टी है। यहाँ पे मैं लिया है हाफ कप मिल्क, ये मेरा हाफ कप है और इसमें मैं ऐड करूंगी हाफ कप शुगर। अब थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकते हो बट मुझे शुगर ज्यादा नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे नहीं लिया है। ये थोड़ा सा गुनगुना सा दूध है तो शुगर इससे अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। हाफ स्पून के करीब नमक, यहाँ पे मैं लेमन येलो कलर का यूज करूंगी, ये है पिंच ऑफ येलो कलर, आप यहाँ इसके जगह ले सकते हो थोड़ा सा केसर का धागा, ठीक है। कुछ लूंगी इलायची जिसको मैं कूट लिया है, इतना बहुत ही अच्छा कलर आता है,
यहाँ पे लेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल, आप यहाँ पे ले सकते हो घी बटर आपकी मर्जी। यहाँ पे 2 टेबलस्पून लूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी आप ऐड कर सकते हो। बेकिंग पाउडर का मैं लूंगी 1/2 स्पून। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड करूंगी सूजी जिसको हम बोलेंगे सेमोलिना, ये मैं लूंगी 1/2 चम्मच। ठीक है, ज्यादा नहीं, जस्ट क्रंचीनेस लाने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। और शुगर मेरा अभी मेल्ट नहीं हुआ है तो इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे। यहाँ पे पूरा अच्छे से घुल चुका है तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी मैदा जिसको ना मैं लिया है 2 कप। तो ये थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करूंगी और मिक्स करते जाऊंगी, एक साथ नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ही ऐड करेंगे। और एक सॉफ्ट डो जैसे हमें बनाना है तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे ढक के, तो ये थोड़ा सा इनराइज हो जाएगा क्योंकि इसमें सूजी है। आधा घंटे के लिए, आधा घंटा हो चुका है, सूजी जो था ना वो अभी फूल चुका है। मैं अभी थोड़ा सा इसको गूंथ लेती हूँ। यहाँ पे मैं सूजी ऐड किया था जिस वजह से ना मेरा डो अभी थोड़ा सा टाइट हो गया है क्योंकि सूजी एनराइज करता है। तो ये अच्छे से अभी हो चुका है। अगर आपका डो ज़्यादा टाइट हो जाए तो आप वहाँ पे 1 चम्मच दूध भी ऐड कर सकते हो और उसको लूज बना सकते हो। ज़्यादा लूज नहीं करना है फ्रेंड्स क्योंकि मेरा अभी जितना है ना वो काफ़ी है लूज, तो मैं इसको बस अच्छे से मसल लूँगी तो अच्छे से वो हो भी जाएगा। अब उसके बाद जो 2-3 पार्टीशन कर सकते हो, मैं इसे रोल बना रही हूँ एक पार्ट लेके, और इसको ऐसे जितना मुझे थिकनेस चाहिए उसी हिसाब से मैं इसको कट पीस लगा दिया है। ये देख सकते हो मैं यहाँ पे कट लगा दिया है और इसको मैं क्या क्या शेप दिया है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और कितना कुछ डिजाइन में बनाया है। आपको जो पसंद आएगा आप वो डिजाइन बना भी सकते हो और खाने में बहुत मस्त है फ्रेंड्स, बिलीव मी। 1 वीक हो चुका है मुझे अभी, कल को 1 वीक हो जाएगा और मेरा अभी तक भी है। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, 2-3 पीस अभी भी है और बिल्कुल ख़राब नहीं होता है ये मैं गारंटी दूंगी, क्योंकि इसी का वेट कर रही थी कि ये कितने दिन तक चलता है। 1 वीक तो हो गया, जितना मैं बनाया था ना 1 वीक के अंदर ही हो गया है। और इसको इस तरह से गर्म तेल में डाल देने का है और ये अपने आप ही ऊपर आके तैरने लगेगा, उस टाइम आपको इसको फ्लिप करना है। गैस को सिमर में ही रखना है, हाई नहीं करना है क्योंकि इसको अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी करना है। इस वजह से गैस को सिमर में रख के इसको अच्छे से उलट पलट करके आप सीख सकते हो। और मैं कल एक छोटा सा वीडियो डाला था जो है रसोड़े में कौन है, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है उसको। जस्ट एक बार ट्राई किया कि मैं थोड़ा सा कोशिश किया था तो बहुत मुझे भी अच्छा लगा, आप लोगों को ये पसंद आया, इस वजह से सबको थैंक यू दिल से। और इस तरह से मुझे प्यार देते रहिए, मैं कोशिश करती रहूँगी अच्छा अच्छा वीडियो लाने के लिए। चलिए आगे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने ये सारी चीज़ बना लिया है जो मैं बनाना चाहती थी, बट सबको ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बनाया है। जस्ट ट्राई की कौन सा अच्छा हुआ है वो मैं जस्ट देखना चाहती हूँ। ये अभी ना गर्म है, इसको मैं अभी निकाला है, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद ना आपको मैं दिखाती हूँ और वो भी देखूंगी कि एक्चुअल में हुआ है कि नहीं। और ये कुछ डोनट टाइप का मैं बना दिया है, ये देख सकते हो, ये भी गर्म है। ठीक है, तो चलो मैंने चाय कंप्लीट किया, उसके बाद मैं सूजी की बात करूंगी क्योंकि मेरा चाय ठंडा होता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मैं फिर से जाती हूँ चाय को गर्म करने, और पंखा चालू है, मैं अभी बंद करती हूँ। टी टाइम के लिए ये मस्त स्नैक्स है, आप लोग जरूर इसको बना के रखिए। और हाँ, ये कितने दिन रहेगा वो मैं ब्लॉग में बताऊंगी कि ये कितने दिन तक रहा, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाती हूँ, जैसे 2-3 दिन में ये खत्म हो जाए।
और मेरे ख्याल से ये 1 वीक तो रहना चाहिए, जिस टाइप का ऐसा हुआ है। और देखते हैं जो भी होगा मैं बताऊंगी, और कितने दिन में ये खत्म भी होता है ना वो भी बताऊंगी, क्योंकि देखते हैं क्या हो रहा है। सो मुझे ना शाम को 2 काम करना था, एक तो वो बिस्किट बनाना था करण के लिए, क्योंकि करण कुछ दिनों से मैं ना कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ऐसा कि वो आके थोड़ा सा जैसे छोटा सा भूख, जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि ऑफिस से आते हैं तो कुछ खाते हैं, और मेरा काम हमेशा ना लेट नाइट होता है, जैसे 10:30 वो अभी ना 1 वीक हो गया लेट ही आ रहे, तो तब तक तो मेरा कुकिंग खत्म हो जाता है। फिर भी ऐसे घर में कुछ भी नहीं है कि वो थोड़ा सा ऐसे मुंह चला ले और उसके बाद खाना खाएंगे, तो काफी दिनों से मैं कुछ नहीं बना रही थी। आज मैं सोची कि नहीं, मुझे कुछ बना के रखना है, और वो आते हैं 2 बिस्किट लेके जल्द चले जाते हैं। और ये कपड़ा है करण का जो प्रेस भी करना है, तो बस ये 2 काम है जो मुझे आज करना है। और आज का टाइटल से आप लोगों को थोड़ा कुछ समझ में आया होगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ एक कमेंट है जो मुझे आया था कि आप बुढ़े की तरह लगते हो, तो मैं उनको ना थैंक यू बोल दिया कि ओके कोई बात नहीं, क्योंकि शादी के बाद ना हर कोई बुढ़े हो जाता है यार, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ज्यादातर हाउसवाइफ ऐसे ही है, कोई कोई तो बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट हम जो मिडिल क्लास फैमिली के हाउसवाइफ है ना, टाइम नहीं मिलता है, घर का काम से ना हमें फुर्सत नहीं मिलता है, तो हम ध्यान नहीं दे पाते। वो जैसे बोली, मुझे एक ही कमेंट आया था, ठीक है, मैं उनको थैंक यू बोली और बोली कि शादी के बाद सब बुढ़ी हो जाते हैं, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा लगा आपने सच बताया तो अच्छा लगा। वो फिर से आके कमेंट की कि आप ज्यादा बुढ़ी लगती हो और शक्ल बेकार है आपका, ठीक है, तो मैं छोड़ दी यार, इस तरह से कोई कुछ बोलता है क्या, और थोड़ा सा बोल दिया तो ठीक है, मैं तो थैंक यू बोल दी, फिर से आके इतना अच्छे से बोल दी को मैं छोड़। वो कमेंट का स्क्रीनशॉट मैं ले लिया है, आपको दे दूंगी, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो बिल्कुल नहीं, आप लोग मेरा कम्युनिटी में जाके चेक कर सकते हो, जो साड़ी का पिक्चर है वहां पे पल्लू डाल के मैं खड़ी हूँ, वो वहां पे ही आया है, एक ही कमेंट आया है, बहुत अच्छे से आया। और कुछ दिन पहले ही मैं ना रश्मि जी का ब्लॉग में वो टाइटल देखा, उनको भी ये कमेंट आया था, और मैं उनको एक वीडियो में ही ऐसा बोला गया था, तो मैं जाके वो वीडियो देखा कि वो ही लड़की है कि उनको कोई कोई किसका दिमाग क्या है कौन बोल सकता है, और इसी वजह से मैं सोची कि आप लोग से शेयर करती हूँ। ये सारी चीजों को पकड़ के हम सोचते रहे कि यार मुझे सो इसका मेमोरी फुल हो गया है, तो बस यही कमेंट के बारे में मुझे आप लोगों को बताना था, और स्टॉप हो गया है कभी मुझे पता नहीं, उनके चैनल में भी मैं वही लड़की को देखा, तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, होता है बड़े यूट्यूबर के साथ ऐसा हो सकता है, तो हम लोग क्या है, और बस ये मेमोरी फुल हो रहे, तो चलिए मैं